सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जीएसएम हेल्पफुल चैनल में आपका स्वागत है। आज जानेंगे कार्बन का एक मॉडल नंबर है E41 पावर। उसमें FRP का प्रॉब्लम है, तो FRP लॉक कैसे रिमूव करते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ेगा। फिर फोन में बैटरी निकाल के फिर वापस लगाओ। अब करना क्या है, फ़ोन को रीबूट टू बूट लोडर में ले जाना है। उसके लिए आपको एक 3 सेकंड दबाना है पावर बटन, फिर बाद में वॉल्यूम डाउन बटन दबाना है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। आप देख लो, ये 1 2 3 ये डाउन बटन दबाया, फिर बाद में जैसे ही कार्बन का लोगो आपको दिखे पावर बटन छोड़ दो, वॉल्यूम डाउन बटन दबाए रखो। आप देख सकते हैं, अब क्या करना है आपको, वॉल्यूम डाउन बटन से रीबूट टू बूट लोडर में उसको पसंद करना है और पावर बटन दबाना है कंफर्म करने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हैं फ़ोन फास्ट बूट मोड में आ गया है। अब करना क्या है, सीधा कंप्यूटर में जाते हैं, कंप्यूटर में जाके ये जो SPD FRP रिमूव टूल है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। तो पहले तो मोबाइल को कनेक्ट कर देते हैं, मोबाइल को ये कनेक्ट कर देते हैं, बरोबर। और SPD FRP टूल्स को ओपन करते हैं। पहले ही ओपन करते हुए पहले ही जो नंबर 30 बार में फास्ट फूड जो आता है उसका मतलब होता है कि फ़ोन फास्ट फूड मोड में है। फिर वो लिखता है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो हमको कोई भी की दबानी है। फिर बाद में बोलता है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, फिर से की प्रेस करनी है। ये हो गया फ़ोन रिबूट, आप देख सकते हैं। अब फ़ोन को चालू करके हम चालू तो हो गया, लेकिन अब नॉर्मल होते ही हम चेक करेंगे इसमें FRP लॉक रिमूव हुआ या नहीं। ये जो कार्बन का मॉडल नंबर एंड्रॉयड है वो 7.0 है। गेट स्टार्टेड, स्किप, नीचे आना, सेटअप न्यू फोन पे जाना है, फिर डोंट यूज एनी नेटवर्क सेटअप पे कंटिन्यू। ये ऑप्शन आए उसका मतलब FRP लॉक सक्सेसफुली रिमूव हो गया। अगर नहीं आता समझो कि FRP लॉक रिमूव नहीं हुआ। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नॉट नाउ पे स्किप एनीवे, सेटअप लेटर, गॉट इट, अगेन गॉट इट। ऐसे ही आपको हिंदी में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल GSM हेल्पफुल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।